आज भारतवर्ष में साईं की पूजा होती है। साईं के भजन व आरती मंदिरों में चलाए जाते हैं। साईं का स्थान हिंदुओं में श्री राम और श्री कृष्ण के तुल्य समझा जाता है। आज हिंदू धर्म को गुरु घंटालों ने खोखला कर दिया है। चारों ओर नकली भगवानों का बाजार लगा हुआ है। चारों ओर कृपा बट रही है। दुखी जनता हाथ जोड़कर आशा भरी निगाहों से इधर उधर देख रही है, किंतु कोई भी गुरु घंटाल इस देश की समस्या गंभीर रूप से नहीं ले रहा, केवल अपने चेले बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। 1977 में आई सिडनी के साई बाबा और उसी साल 1977 में आई मूवी अमर अकबर एंथनी, उसका एक सॉन्ग है, आपने जरूर सुना होगा। उन्होंने साई को एक अलग पहचान दी। मुस्लिम समाज के साई को बाबा बनाकर अर्थात हिंदू बनाकर लोगों के सामने रखा गया। साई यानी कि चांद मियाँ का इतिहास मैं आपको उनकी पुस्तक साई सच्चरित्र से आपके सामने रखूंगा। मैं अपनी तरफ से इसमें कोई मिलावट नहीं कर रहा। साई द्वारा लिखवाई गई पुस्तक साई चरित्र, उसमें लिखा है चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 91 लिखा हुआ है कि साई मांस मछली का सेवन करते थे। चैप्टर नंबर 23 पेज नंबर 161 पे लिखा हुआ है साई ने चाकू से बकरा काटने का आदेश दिया। चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 36 पे लिखा हुआ है साई अपने थैले में नशा करने का सामान रखते थे। चैप्टर नंबर 36 पे लिखा है मीठे चावलों के साथ मांस का उल्लेख मिलेगा आपको। चैप्टर नंबर 13 पे साई औरतों को गाली देते हुए आपको मिलेंगे। चैप्टर 32 में लिखा हुआ है मैं एक फकीर हूँ, मुझे गंगा जल से कोई लेना देना नहीं है। फकीर एक मुस्लिम शब्द है। चैप्टर 26 पे लिखा है मैं नीची जाति का मुस्लिम हूँ। ये जो बातें बताई है मैंने ये साई सच्चरित्र से बताई, आप पढ़ लेना जो मैंने आपको प्रमाण दिए हैं। साई ने अपने जीवन में बहुत से चमत्कार किए, ये उनके भक्त बताते हैं। जैसे उन्होंने कुएं का एक मीठा पानी कर दिया। अगर उन्होंने कुएं का मीठा पानी किया भाइयों, तो उसने ये फॉर्मूला लोगों के सामने क्यों नहीं रखा। साई के भक्त ओम साई राम बोलते हैं, ओम के पीछे और राम के आगे साई लगा दिया और सीता को राम से अलग कर दिया। देख लो आप क्या हो रहा है हिंदू के साथ। जरा मुझे बताओ साई ने अंग्रेजों के साथ कितने युद्ध लड़े। खैर नहीं लड़े तो उन्होंने कितने क्रांतिकारी तैयार किए युद्ध लड़ने के लिए, अपने देश को आजाद करवाने के लिए अंग्रेजों से। आज तक किसी को यह नहीं पता कि साई के माता पिता कौन थे, साई कहाँ के थे, पर इंटरनेट पर आपको झूठी जानकारी जरूर मिल जाएगी जिसमें बताया गया है कि जो साई के पिता है वो गोविंद है, माता है जो वो देवकी, महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ। खैर ये जानकारी झूठी थी, मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं क्योंकि ये जो इनका इतिहास है ना जन्म का वो बड़ा विवाद का है, तो मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा विवाद होए। आप उनकी सच्चरित्र पुस्तक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसा है। जो साई के पूर्वज थे वो अफगानिस्तान से आए थे। साई का जन्म भारत में हुआ था। अफगानिस्तान में मुस्लिम लोगों की एक जाति थी जिसे पिंडारी बोला करते थे। वो चोरी बदमाशी का काम करती थी। खैर में से आगे साई का इतिहास नहीं बताना चाहता क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा विवाद का विषय है। आप इतना समझ लो कि साई ने ना तो हिंदुओं के लिए कोई कार्य किया, ना इस देश के लिए कोई कार्य किया। दो चार ज्ञान की बात बताने से कोई विद्वान नहीं हो जाता, कोई पूजने योग्य नहीं हो जाता। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुओं के साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। मुस्लिम को एक बाबा बनाकर राम के साथ जोड़ उन्हें पूजा जा रहा है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आप समझदार है, समझ सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी साई के बारे में थी। आपने वीडियो देखी, आपका आभार। चैनल पर और भी वीडियो आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।